मित्रों प्रबंधन की दूसरी कक्षा में पढ़ने वाली परिभाषाएं परिभाषाएं जो आपको बहुत कठिन लगती है समझ में नहीं आती है परिभाषाओं को तो छोड़ी दो आपको तो नाम ही इतने क्लिस्ट लगते हैं इतने सारे नाम हैं और इतने बड़े बड़े नाम हैं जैसे पंडित गंगाधर विद्याधर ओमकारनाथ शास्त्री इतना बड़ा नाम ऐसे नामों को छोटा करके परिभाषाओं को भी छोटा करके वही चीज़ उपयुक्त लाया हूँ जो एग्ज़ाम में पूछा जाएगा बहुत ही शॉर्ट कर दिया हूँ चलिए स्टार्ट करते हैं प्रबंधन की अलग अलग परिभाषाएँ देखते हैं तो कौन कौन सा परिभाषा देखेंगे जो हेनरी फ्योल ने दी है टेरी ने दी है किम्बाल ने दिया है क्रीट ने दिया है ड्रकर ने टेलर ने हेराल्ड और हीज ने दिया है रॉबर्ट और जैनी ने दिया है तो जो प्रबंधन के ऊपर नीले अक्षर में लिखा है वो क्या नाम है वो नाम है जो थ्योरी देने वाले जो प्रिंसिपल देने वाले परिभाषाएं देने वालों का नाम है और जो गोलाकार हरा गोला में जो गोलाकार वर्ड लिखा हुआ है वो की पॉइंट्स हैं वो क्या है की पॉइंट्स हैं जैसे हेनरी फ्योल ने ऊपर देखिए प्रबंधन के ऊपर क्या लिखा है हेनरी फ्योल ने क्या परिभाषा दी हेनरी फ्योल ने प्रबंधन की परिभाषा दी कि प्रबंधन पूर्वानुमान एवं नियोजन की ऐसी प्रक्रिया है जिससे देश जो है संगठन का वो फलीभूत होता है तो ये पूरा रखने की जरूरत नहीं है आपको क्या रखना है बस हेनरी फ्योल ने पूर्वानुमान और नियोजन की बात की किसकी पूर्वानुमान और नियोजन <laughs> तो जब भी क्वेश्चन आएगा पूर्वानुमान और नियोजन विकल्प में होगा तो वो परिभाषा किसने दी है हेनरी फ्योल ने तो हेनरी फ्योल बोले तो पूर्वानुमान और नियोजन हेनरी फ्योल पूर्वानुमान नियोजन आगे देखिए टेरी टेरी बोले तो विशिष्ट प्रक्रिया व्यक्ति और साधन टेरी बोलते हैं कि प्रबंधन एक, एक, एक विशेष प्रकार की प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति व्यक्ति और साधन का सम्मिश्रण है व्यक्ति और साधन मिलकर संस्थान के संगठन के गोल को अचीव करते हैं तो ये सब बड़ा वाक्य रखने की क्या जरूरत है अचीव करते हैं गोल ये सब छोड़ो बस एक वर्ड याद रखो टेरी से विशिष्ट प्रक्रिया विशिष्ट प्रक्रिया है प्रबंधन और इसमें व्यक्ति और साधन मिलकर काम करते हैं व्यक्ति और साधन व्यक्ति और साधन दिखे तो टीप दो विकल्प में दिखे तो टीप दो बिना क्वेश्चन पढ़े आगे देखिए किम्बाल किम्बाल बात करते हैं मानव और माल मतलब मानव वही व्यक्ति और माल मतलब कच्चा माल कच्चा माल और व्यक्ति मिलके ही संस्था का गोल अचीव करते हैं ना तो किम्बाल मतलब मानव और माल क्रीड को देखिए क्रीड क्या बात करते हैं सीमित संसाधन की बात करते हैं क्रीड को देखिए कि सीमित संसाधन होता है उसका अधिक से अधिक अच्छा उपयोग करके हम कैसे गोल प्राप्त कर सकते हैं तो सीमित संसाधन की जहां भी बात होगी तो क्रीट क्रीट में टिक करना है सीमित संसाधन मतलब क्रीट ड्रकर को देखिए ड्रकर बोलते हैं गतिशील एवं जीवनदायक तत्व मतलब प्रबंधन एक गतिशील एवं जीवनदायक तत्व है गतिशील है मतलब ये प्रभावी है चेंज होता रहता है हमेशा रहता है संस्था के ऊपर मैनेजमेंट गतिशील है जीवनदायक तत्व है मतलब संस्था को जीवन इसी से मिलता है कि क्या करना है कैसे करना है तो ड्रकर बोले तो गतिशील एवं जीवनदायक तत्व टेलर क्या कहते हैं भैया टेलर कहते हैं प्रबंधन कुछ नहीं है प्रबंधन वो प्रक्रिया है जिससे सबसे उत्तम और सबसे सस्ता तरीका निकलता है कोई भी उत्पाद बनाने का और बेचने का तो आपको इतना लंबा याद नहीं करना है आपको क्या कर, याद करना है टेलर मतलब सबसे उत्तम सस्ता सबसे उत्तम सस्ता बोले तो टेलर वैसे भी आप किस टेलर के जाते हैं अपना शर्ट पेंट सिलाने जो सबसे अच्छा सिलता हो और जो सबसे सस्ता हो हेराल्ड और हिज क्या बोलते हैं हेराल्ड और हिज बोलते हैं कि प्रबंधन कुछ नहीं है प्रबंधन क्या है एक समूह है जो चुनिंदा लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बनाया जाता है तो जहां भी समूह और चुनिंदा लक्ष्य शब्द आ जाए हेराल्ड और हिज लगा देना हेराल्ड और हिज मतलब समूह एवं चुनिंदा लक्ष्य रॉबर्ट और जैनी भाई साहब क्या बोलते हैं रॉबर्ट और जैनी बोलते हैं कि मानव और भौतिक ये दोनों संसाधन का मानव एक संसाधन है हाँ ह्यूमन रिसोर्स और भौतिक संसाधन मतलब वही कच्चा माल है बिजली है पानी है तो इनका समन्वय होना चाहिए जब ये समन्वय होगा मतलब कच्चा माल को प्रोसेस करने वाला व्यक्ति ही तो होगा तो जब कच्चा माल को प्रोसेस करने वाला व्यक्ति मिल जाएगा तो कोई प्रोडक्ट बन जाएगा टमाटर कच्चा माल है मैंने मशीन लगा दी तो मैंने टोमेटो जूस बना दिया टोमेटो सॉस बना दिया तो इनके समन्वय से जो चीजें पैदा होती हैं इनके जो समन्वय का तरीका होता है वही मैनेजमेंट कहलाता है प्रबंधन वही कहलाता है बस आपको इतना याद रखना है इसमें मानव और भौतिक समन्वय रॉबर्ट एंड जैनी मानव और भौतिक समन्वय ब्रेज क्या कहते हैं कि ब्रेज बोलते हैं सामाजिक प्रक्रिया है प्रबंधन क्या है सामाजिक प्रक्रिया है मतलब एकल प्रक्रिया नहीं है सामाजिक प्रक्रिया बस इतना ध्यान रखना है तो हमने इसमें बहुत सारी डिफिनेशन पढ़ी जो सबसे इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है वह है लॉरेंस की लॉरेंस बोलते हैं कि प्रबंधन मनुष्यों का विकास है मतलब प्रबंधन मतलब ये नहीं कि बहुत सारा प्रोडक्ट बना लो बहुत सारा सर्विस बेच दो मुनाफा कमाओ ये बस नहीं है प्रबंधन का मुख्य लक्ष्य क्या है मानव का विकास मनुष्यों का विकास ये कार्मिक प्रशासन है तो मनुष्यों का विकास की बात हो कार्मिक प्रशासन की बात हो तो लॉरेंस टिक करना एक बार रिवाइज करा दें तो हेनरी बोलते हैं पूर्वानुमान नियोजन हेनरी पूर्वानुमान नियोजन टेरी बोलते हैं विशिष्ट प्रक्रिया व्यक्ति और साधन विशिष्ट प्रक्रिया व्यक्ति और साधन किम्बाल किम्बाल सीमित संसाधन सीमित संसाधन ड्रकर गतिशील जीवनदायक तत्व गतिशील जीवनदायक तत्व टेलर सबसे उत्तम सस्ता सबसे उत्तम सस्ता हेराल्ड एंड ही समूह चुनिंदा लक्ष्य समूह चुनिंदा लक्ष्य रॉबर्ट एंड जेनी मानव भौतिक समन्वय मानव भौतिक समन्वय और ब्रेंच बोलते हैं सामाजिक प्रक्रिया मित्रों आपको इतना सीधा और सरल सटीक चीजें दे रहा हूं कि बुक के जंजाल से अंधकार से बिल्कुल डायरेक्ट गुफा के उस पार पर रोशनी ही रोशनी है